भी वीडियो या इमेज पर वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं या वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाटरमार्क कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो मैं वीडियो सेलेक्ट करूंगा, रिमूव लाखों का ऑप्शन सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर से वीडियो सेलेक्ट की मैंने। देखिए अब इस वीडियो में दो वाटरमार्क्स हैं, एक ये और एक ये निचला। तो सबसे पहले मैं इस वाटरमार्क को सेलेक्ट करूंगा। तो इसके लिए मैं इसको जूम करूंगा ताकि मैं आसानी से वाटरमार्क सेलेक्ट कर सकूं। अब ये मैंने लेजो सेलेक्ट का बटन ऑप्शन सेलेक्ट किया और मैंने बटन इस वाटरमार्क को सेलेक्ट किया, ये देखें। अब मैंने अनजूम किया और ये देखें आप, ये वाटरमार्क का एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं निचले वाटरमार्क को सेलेक्ट करूँगा, ये देखें। अब मैंने दो वाटरमार्क सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन अगर आपकी वीडियो में दो से ज़्यादा वाटरमार्क हैं तो आप इस बटन को इस्तेमाल करते हुए उनको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये बटन, इसके ज़रिए आप वाटरमार्क एरिया रिमूव कर सकते हैं। अब वाटरमार्क, अब ये नीचे ऑप्शन आ रही है कस्टम ड्यूरेशन की, इसके ज़रिए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वाटरमार्क रिमूविंग का ऑपरेशन कब तक परफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि बस वीडियोज़ में होता है कि पहले 10 सेकेंड के लिए वाटरमार्क अपीयर होता है, तो उस केस में आप चाहेंगे कि पहले 10 सेकेंड के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म हो। इससे वीडियो की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं वाटरमार्क ऐड ऑपरेशन की। वाटरमार्क ऐड का ऑपरेशन भी तकरीबन इस तरह ही है। यहाँ पे हम नीचे दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक ऐड इमेज और दूसरा ऐड टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट करता हूँ, देखिए। अब जैसे ही आपने यहाँ पर टेक्स्ट एंटर किया, इसके नीचे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे फ्लिप का है, रोटेट का है, बटन है, साइज़ इंक्रीज करना है, कलर है, फॉन्ट है। इसके अलावा ये ऑप्शन है शेडो की, ये इसको रिमूव करने के लिए ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है इस पर टाइम एडजस्टमेंट्स की, यानी अगर आप फर्ज करना चाहते हैं कि ये जो वाटर मार्क है ये पहले 5 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक अपीयर हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरी वीडियो पे अपीयर होगा, लेकिन अगर आप टाइम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, ये सेटिंग स्क्रीन्स में प्रीफैब्रिकेटेड लोगोस, यानी ये वो लोगोस हैं जो ऐप के साथ मिलते हैं आपको मुफ्त में। अब मैं सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यह ऐड हो चुका है। इसका साइज़ मैं बड़ा छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि, अब ये सेटिंग है, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है माय टेम्पलेट्स का या सेव टेम्पलेट्स का। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी सेटिंग को, किसी भी वाटरमार्क सेटिंग को आप सेव कर सकते हैं और फिर वही सेटिंग किसी और वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। वन जैसे ये देखें माय टेम्पलेट्स, ये मैंने पहले सेव किए हुए माय टेम्पलेट्स, मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ माय टेम्पलेट, ये देखिए ये और हेलो का टेक्स्ट, यानी इस टेम्पलेट का हिस्सा थे, इसलिए ये शो हो चुके हैं। अब इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है वीडियो प्रोसेसिंग स्पीड, ये आपकी वीडियो क्वालिटी को अफेक्ट करती है। और इसके अलावा जितनी रफ्तार से आपकी वीडियो प्रोसेस होगी, तो आपकी जितनी आपकी वीडियो प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी उतनी आपकी वीडियो क्वालिटी लो होगी। तो अगर मैं वेरी स्लो करता हूँ तो वीडियो तो थोड़ी देर लगा के प्रोसेस होगी, लेकिन वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो बेहतरीन होगी। इसके अलावा आप जितने भी वीडियोस प्रोसेस करते हैं वो इस माय गैलरी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।